और मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से सियासत की फसल लहराने लगी है। विपक्ष शिवराज सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि राज्य में खाद को लेकर अफवाह और भ्रम फैलाया जा रहा है, लोग राज्य में अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है और सभी किसान भाइयों को खाद मिलेगा। एमपी में क्या सच में खाद की कमी है या फिर यह किसी की साजिश है? दुकान में अरपण खाद धरियो 400 450 में बोरी दे रही है और ना दे ही नहीं सोसाइटी में खाद नहीं, दुकान पे तो हजारों बोरी रखी अभी ले। आखिर एमपी में खाद के लिए लंबी लंबी कतार का क्या है पूरा सच? क्यों एमपी के शहर शहर खाद को लेकर हो रहा है हंगामा? खाद ही नहीं मिल रही है सुबह से। मध्य प्रदेश के शहर शहर खाद को लेकर हंगामा हो रहा है। सरकारी एजेंसियों के खाद सेंटर्स पर किसानों की लंबी कतारें हैं, लेकिन सीएम शिवराज इन सबके पीछे साजिश का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं जो दिख रहा है वो सच नहीं है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे, भ्रम फैला रहे, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि खुद मुख्यमंत्री को सामने आकर किसान भाइयों से अपील करनी पड़ी और लगे हाथ राज्य का माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी भी देनी पड़ी? दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से खाद की किल्लत का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। राज्य के चंबल, मालवा से लेकर विंध्य और बुंदेलखंड में खाद को लेकर किसान परेशान दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एमपी के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग खाद के लिए परेशान दिख रहे हैं। कई जिलों से प्रदर्शन और चक्का जाम की भी तस्वीरें सामने आई हैं। खाद सेंटर पर खड़े किसानों का गुस्सा भी सामने आया है। खाद नहीं मिल रही है हमारे को, लाइन में सुबह 5 बजे के खड़े, हाँ लाइन लगा रखे, लाइन लगा रखी है 3 दिन हो जाए, हमें परेशान है 3-3 दिन से परेशान, तीन दिन से। पर ये सरकार तो कह रही है खाद का। अरे श्रीमान जी ये देखो नहीं आप कहाँ है यहाँ खाद, शनिवार कोई बंद था मामला, शुक्र को भी नहीं मिला हमें 3-3 दिन। 450 पहले की सरकार अच्छी थी, खाद नहीं मिल रही है सर, क्या हो रही है? लाइन में खड़ा होना पड़ा, लाइन में खड़े रहो बस, बाकी दुनिया में जा रही है ये खाद, हमें पता नहीं है क्या मिल रहा है। सर मैं तो सुबह से खड़ा हूँ, कोचिंग मेरा तो कोचिंग है सर, मैं तो पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन लाइन में लगना पड़ रहा है यहाँ पर। अच्छा कब से लगे, कितने दिन? सुबह से ही लगा, 3-4 दिन से आ रहे लगे तार, बस वहाँ तक लाइन में लगते और यहाँ से खत्म हो जाता है। खाद ही खत्म बोले, खाद खत्म हो गया, लेकिन भरा पूरा फाउंडेशन बोले कि खाद खत्म हो गया। खाद नहीं मिलता है टाइम से, हमको 2-3 दिन से लाइन लगे हुए हैं यहाँ, क्या करें, सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही हमारी। खाद की किल्लत की खबरें जब मुद्दा बनने लगी तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए। पहले तो उन्होंने खाद की किल्लत के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया और फिर किसानों को आश्वासन देते हुए गड़बड़ी और अफवाह फैलाने वालों पर कड़े एक्शन की बात भी कही। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे, खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे, भ्रम फैला रहे, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे, कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस खाद की किल्लत को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान बिना किसी का नाम लिए इसे साजिश करार दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच परेशान किसान हो रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद है कि खाद सेंटर्स पर किसानों का इंतजार कम होगा और उन्हें वक्त पर खाद मिल सकेगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।